खेती कानूनों के विरुद्ध दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। पंजाब से लगातार किसानों के काफिले मोर्चों में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत बरनाला के गांव भोतना से बीकेयू उग्राहा का 64वां जत्था नारों की गूंज में दिल्ली को रवाना हुआ। दिल्ली जाने के लिए एनआरआईज ने स्पेशल कैंटर का पक्का प्रबंध किया। संघर्ष की जीत के लिए किसानों के इरादे पूरी तरह दृढ़ हैं। किसान नेताओं ने घर बैठे किसानों को मोर्चे में पहुंचने की अपील की। इस मौके पर किसानों ने कहा कि हर महीने 10वें दिन 3, 13 और 23 तारीख को किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होता है। उन्होंने कहा कि चाहे संघर्ष को दिल्ली में 8 महीने बीत गए हैं, परंतु उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। जब तक खेती कानून रद्द नहीं होते, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए उनकी तरफ से 2024 तक भी संघर्ष लड़ने की तैयारी है। उन्होंने घरों में बैठे किसानों को कहा कि संघर्ष एकता के साथ ही जीता जाएगा। इसलिए हर किसान का फर्ज बनता है कि वह घरों से बाहर निकलकर मोर्चों में हाजिरी लगवाए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगे का ही 4 पिंड होंगे सी जी, एगती काफला बढ़ गया। एगती अभी है 7-8 पिंड, जिवें साढ़े गुआढ़ी पिंड आ, जिन्हें टल्याला हो गया, चूंगा, रामगढ़, मलियां, बस्तगढ़, यह सारे पिंड एगती अभी चले हैं इकट्ठे। ये जी ये साधन साढ़े को कैंटर आ, यह जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां पिंड भोतने का इकाई का, यह जो सानू कैंटर मुहैया कराया वो साढ़े NRI वीर ने फंड दे के इकट्ठा करके वो सानू इन्हां ने लैके दिता जी दिल्ली जाने खातर। जी साढ़े को किसानों ने कोई शिकायत नहीं करी। साढ़े किसान हजे ऐ कहते हैं भाई जेड़े किसान भी प्रोपर कला कापा भी नहीं जा सकता, वो कहते किसी की चीज़ की थोड़ी मदद लो, तो बाकी लोग जाने वाले बहुत तैयार बैठे जी, कोई चक्कर ही नहीं गा। लोग का हौसले पूरे बुलंदा, लोगों के हौसले इन्ने बुलंदा, लोग का कहते भी 2024 तक भी मोर्चा चले, 2024 तक भी चलावे। हौसले सारे पूरे बुलंद ने किसानों के, किसान पूरे खुश होकर जाते। साडा जथा 64वां दिल्ली टिकरी बार्डर से जा रहा अज, तो जिन्हें चे काले कानून रद्द नहीं करते उन्होंने चे साडे लोग जिहड़े बारी नाल इस तरह जाते रहेंगे।